स्टार्ट हो गया। ओके, जय श्री राम। हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? इस बार थोड़ी ठंडी पड़ गई है, यहाँ हमारे गांव में तो रात से ही हवा चल रहा है पछुआ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, टॉपिक है हमारा भारत के विरासत स्थल, उनकी लिस्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा है, कब का है और किस राज्य में है। ओके, हम लोग भारत के 42 विरासत स्थलों की सूची के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से 34 जो है सांस्कृतिक विरासत स्थल है, 7 क्या है प्राकृतिक विरासत स्थल है। एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा तेज कर देते हैं ताकि 34 क्या है हमारा सांस्कृतिक विरासत स्थल है, 7 क्या है प्राकृतिक विरासत स्थल है और 1 जो है मिश्रित विरासत स्थल है। जो मिश्रित विरासत स्थल में जो 1 है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है और ये 2016 में इसको मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो चलिए ये भी एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक है और शुरुआत करते हैं। ओके, पहला है ताजमहल, जिसे 1983 में मिला था और ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ओके, ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1983 में इसको मान्यता मिली थी सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में ही है, ये भी 1983 में ही मिला था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ओके, अजंता और एलोरा ये महाराष्ट्र में स्थित है और इन चारों को ही 1983 में मिला था। 1984 में दो चीज़ों को मिला है, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है, जो कि उड़ीसा में राज्य में है, और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, 1984 में मिला था। महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है और इसे भी 1984 में मिला था। ओके, 1986 में आते हैं तो चर्च और कॉन्वेंट, ये गोवा में स्थित है और 1986 में मिला था। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1986 में मिला था। हम्पी के स्मारकों का समूह, हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है और 1986 में मिला था। खजुराहो का स्मारक समूह जो कि मध्य प्रदेश में मिला है और 1986 में खजुराहो को चंडेलों ने बनवाया था, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है और ये 1987 में इसको मान्यता मिली थी। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और 1987 में इसको मान्यता मिली थी। पतदकल में स्मारकों का समूह जैन मंदिर तथा 9 हिंदू मंदिरों का श्रृंखला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो। पतदकल में स्मारकों का समूह जो कि जैन मंदिर और 9 हिंदू मंदिरों की श्रृंखला है, जो कि कर्नाटक में स्थित है और ये 1987 में विरासत स्थल सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और 1987 और 2004 में इसको शामिल किया गया था। चोल मंदिर दो भाग है, ठीक है। आते हैं अगले पेज पे, सांची का बौद्ध स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, 1989 में इसको सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ओके, 1993 में इसको मान्यता दी गई थी। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में ही है और 1993 में मान्यता दी गई थी। भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, इन तीनों को अलग अलग डेट में 1999, 2005 और 2008 में सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर परिसर जो कि बोध गया बिहार में स्थित है और ये 2002 में इसको मान्यता मिली थी। भीम बेटिका के रॉक सेल्टर ये मध्य प्रदेश में है और 2003 में इसको मिली थी। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में स्थित है और 2004 में मिली थी।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह महाराष्ट्र में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसे 2004 में मिला था। ओके, 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, लाल किला परिसर दिल्ली में है, 2007 में मिला था, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है, और 2010 में इसे मान्यता मिली थी। राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, गागरोन किला, आमेर किला, जैसलमेर किला, ये सारे चीज़ राजस्थान में है, और इन को सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में 2013 में शामिल किया गया था। रानी की वाव जो कि पटना गुजरात में है, पाटन सॉरी पाटन है, गुजरात में स्थित है। रानी की वाव यानी रानी की बावरी जो कि 2014 में मिला था। ओके, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो कि नालंदा जगह का नाम है और बिहार राज्य में पड़ता है, 2016 में उसको मिला था, नालंदा महाविहार का बिहार को। ओके, अब आते हैं ली कॉर्बूजिए की वास्तु शिल्प कृति में कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये चंडीगढ़ में स्थित है। ली कॉर्बूजिए की वास्तु शिल्प कृति में कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में स्थित है, 2016 को मिला था। अहमदाबाद शहर गुजरात में जो कि 2017 में मिला था। ओके, विक्टोरियल गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स, ये मुंबई महाराष्ट्र में है और 2018 को मिला था। ठीक है, जयपुर शहर जो कि राजस्थान में है, 2019 को मिला था। काकतीय रुद्रदेव रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर से याद रखना, रामप्पा मंदिर मोस्ट फेमस है, 39वां है, ठीक है, तेलंगाना में है। रामप्पा मंदिर 39वां है और ये तेलंगाना में स्थित है, 2021 को मिला था। हरप्पा शहर धौलावीरा गुजरात में स्थित है और 2021 में मिला था। हरप्पा शहर धौलावीरा 40वां जो है, ओके, हरप्पा शहर धौलावीरा जो कि 40वां है सांस्कृतिक विरासत स्थल, इसे गुजरात में स्थित है और 2021 में इसे मिला था। शांति निकेतन 41वां है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और 2023 में इसे मिला था। ठीक है, 2023 में इसे मिला था शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में। होयसल मंदिर समूह बेलूर का, चेन्नकेश्व हेलेबिडू का, होयसलेश्वर मंदिर सोमनाथपुरा का, केशव मंदिर, इन तीनों को 2023 में मिला था और ये स्थित है कर्नाटक में। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि रामप्पा मंदिर 39वां है, 40वां है हरप्पा शहर जो कि 40वां है, शांति निकेतन जो कि 41वां है पश्चिम बंगाल में, होयसल मंदिर जो कि 42वां है कर्नाटक में। इन चारों को मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना ही है आपको, ये क्रम पूछ लिया जाएगा 39वां, 40वां, 41वां, 42वां। तो काकतीय रामप्पा मंदिर तेलंगाना में 39वां है, हरप्पा शहर धौलावीरा जो कि 40वां गुजरात में स्थित है, शांति निकेतन 41वां जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, होयसल मंदिर, चेन्नकेश्व मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, केशव मंदिर, यह 42वां है जो कि कर्नाटक में स्थित है। ओके, अब आते हैं सात प्राकृतिक विरासत स्थल की सूची जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं सात है, जिसमें आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आसाम में है और ये 1985 में इसको लिस्ट में शामिल किया गया था। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इसे भी 1985 में लिस्ट में शामिल किया गया था। मानस वन्य जीव अभयारण्य ये भी आसाम में है और 1985 में इसे शामिल किया गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल मोस्ट इम्पोर्टेंट 1987 में शामिल किया गया था। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये 1988 और 2005 में इसको शामिल किया गया था, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी को 1988 में, फूलों की घाटी को 2005 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। पचमी घाट को 2012 में शामिल किया गया था।
और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये 2014 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और लास्ट जो बच्चा है, मिश्रित विरासत स्थल जो कि एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है और इसे 2016 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। ये छोटा सा टॉपिक था, हमने इस टॉपिक को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, कौन सा कहाँ है और कब बना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ।